ऐसा दिन जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी सुमन अंजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं याशि आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस दिन को त्योहार के जैसे जश्न में मनाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वीर जवानों की जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए न सिर्फ बलिदान दिया बल्कि अपने जीवन को भी न्योछावर कर दिया। 200 साल की गुलामी के बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह आजादी दिलाने में ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे ही कई वीर जवानों का योगदान रहा है। सन 1947 में 15 अगस्त के दिन हम भारतवासियों को गुलामियों की जंजीरों से मुक्ति मिल गई। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर इस देश को संभाला और आगे बढ़ाया। और दोस्तों, उस भारत में और आज के भारत में कितना फर्क है ये आप सभी जानते हैं। जैसे कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल मोदी जी, इस देश को हम भी नहीं झुकने देंगे। मैं सलाम करती हूँ हमारे देशवासियों को और अपने वतन को। वापस आती हूँ इस देशभक्ति वाले प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम पर याशि आपके साथ है। दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा वतन है जहां पत्थर को समंदर पर तैरा कर सागर के दो किनारों को जोड़ दिया। जी हां दोस्तों, जहां से संख्या जीरो की शुरुआत हुई। अपना भारत वो भारत है जहां से कला जन्मी है, जहां काले गोरे का भेद नहीं किया जाता बल्कि रिश्तों को दिल से जोड़ा जाता है और निभाया जाता है। अपना भारत वो भारत है जहां इंसान तो क्या, पत्थरों को भी पूजा जाता है, पेड़ पौधे और नदियों को भी सम्मान दिया जाता है। अरे तभी तो कहते हैं, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। जी हाँ, यह भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गैर भी अपना बन जाता है। आज के इस पावन पर्व पर मैं हर हिंदुस्तानी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों का बलिदान और त्याग का परिणाम है। और उसी को कायम रखने के लिए हमारे देश के सैनिक आज भी बॉर्डर पर तैनात हैं। होली हो, दिवाली हो या दशहरा हो, वो उस दिन को सेलिब्रेट करने की बजाय हमारी ही रक्षा के लिए बॉर्डर पर सावधान खड़े रहते हैं। और आज मैं याशि उनके जज्बे के लिए उनको सलाम करती हूँ और कहती हूँ, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। बस यही फर्ज है एक सैनिक का। तो मैं वापस आती हूँ इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम पर याशि आपके साथ है। और क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, जब हम हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पे हम पीछे कैसे हट सकते हैं, है ना दोस्तों। फिलहाल तो दुआ के नाम पे कहना चाहूंगी, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन। जी हाँ, इस
बार हमें कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जिस पर हम किसी पर डिपेंड ना हो सके, यानी इंडिपेंडेंट बन सके। दोस्तों, आज आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी होने के साथ हमारे कुछ फर्ज बनते हैं। हमें आज़ादी मिली है, लेकिन हम उस आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन भारत का झंडा सड़क पर पड़ा मिलता है। तो क्या ये आज़ादी है? नहीं ना। हमें भारत में रह के अपने देश के झंडे का सम्मान करना है और दूसरों को भी समझाना है। हमें आज़ादी मिली है ब्रिटिश हुकूमत की गुलामियों से। हमें आज़ादी इस चीज की नहीं मिली कि हम गालियाँ दे सकें, मार पिटाई कर सकें, छेड़ा छाड़ी कर सकें, अपने देशवासियों का सम्मान करें, साफ सफाई रखें, ये भी देशभक्ति है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। विदा लेती हूँ दोस्तों आपसे, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM पर, जन जन की मंगलवाणी। जय हिंद।